माने अभी आपका अन्य तो संबंधी रोग है बता सकते हैं, और इस रोग से ग्रसित जो व्यक्त होते हैं वह हरी और लाल रंग का सही सही पहचान नहीं कर पाते। इस रोग को ठीक करने के लिए हम लोग संकोकार लेंस का प्रयोग, संकोकार लेंस तो जानते बड़ लगे इस तरीके का होता है, आप पढ़ करके आ रहा है संकोकार का, तो लिख लो जन्मजात रोग होता है, इससे रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरा रंग का सही सही पहचान नहीं कर पाता है, पहचान नहीं कर पाता है, ठीक है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को रेलगाड़ी का ड्राइवर नहीं बना सकता, इससे रोग से ग्रसित व्यक्ति को रेलगाड़ी का ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता निवारण के लिए इस रोग को दूर करने के लिए संकोकार लेंस का प्रयोग किया। संकोकार लेंस का प्रयोग तने नियम लिख लेना, माने आंकिक लगाने के लिए, आंकिक के लिए नियम समझ लो। तीन नियम होते हैं, अगर प्रश्न में निकट दृष्टि दोष दिया गया, प्रश्न में क्या दिया गया तो हमेशा भी कमान दिया होता है, पहले समझ लो। अभी कमान अगर 25 से अधिक है तो यू कमान इन्फिनिटी मान लेते हैं। निकट दृष्टि दोष कहाँ है, हमेशा भी कमान दिया है, भी कमान 25 अधिक है तो यू कमान इन्फिनिटी, भी कमान 25 से कम है तो यू कमान 25, और दूरदृष्टि दोष में हमेशा यू कमान 25 मान लेते हैं। ये तीन नियम है, लिख लो कि यदि निकट दृष्टि दोष है तो हमेशा भी कमान दिया गया होता है, और इसका न्यूमेरिकल बताएंगे हम आपको। यदि भी का मान 25 सेंटीमीटर से अधिक हो तो यू का मान इन्फाइनिटी में लिख देते हैं, अपरिभाषित जिसको कहते हैं मानते हैं। पहला यही नियम है याद कर लेना, और दूसरा में ये होगा कि यदि निकट दृष्टि दोष है, सुन लो निकट दृष्टि दोष है और भी का मान 25 से कम है, यही तो नहीं तो यू का मान 25 मानते हैं हमेशा, अपने हिसाब से लिख लेना। और अगर दूरदृष्टि दोष है, हमेशा भी का मान दिया होता है बात याद रखना, तो भी का मान 25 तो हमेशा माने दूरदृष्टि दोष में हमेशा भी का मान दिया होता है और यू का मान 25 सेंटीमीटर मान। चाहे कम दे चाहे अधिक दे, दूरदृष्टि दोष में हमेशा 25 प्लस माइनस में आता है, के में हमेशा माइनस में लिया जाता है सब मान, ये लेते हैं कि सभी मान को ऋणात्मक लेते हैं, हाँ सब में सभी मान को ऋणात्मक लेते हैं। तो ये आज की पढ़ाई थी, ख़त्म।